हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरा राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आपके लिए फिर मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, बेलपत्र को बीज से भी ग्रो किया जाता है, और मैं तो दोस्तों इसको नर्सरी से ला के लगाया था दोस्तों। और ये सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, आराम से आप भी लगा सकते हो। और दोस्तों, सावन का महीना बेलपत्र के लिए बहुत ही शुभ शुभ महीना है दोस्तों, और भोले शंकर नाथ जी को बहुत प्रिय है दोस्तों ये पौधा। और दोस्तों, आप भी बेलपत्र का पौधा सावन के महीने में लगाओ दोस्तों। तो मैं आज आपको बेलपत्र के पौधे की केयर कैसे की जाती है और इसकी किस प्रकार की खाद डाली जाती है, इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, बेलपत्र का पौधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है दोस्तों। शिव जी का बहुत प्यारा पौधा है दोस्तों ये, और ये बहुत हार्डी प्लांट है, और ये इजी तरह से ग्रो हो जाता है। और इसकी मिट्टी की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी मिट्टी में एक भाग मिट्टी लेनी है, और एक भाग रेत लेनी है, और एक भाग इसके अंदर खाद लेनी है दोस्तों। तीनों को मिक्स कर और इसको जब लगाया है दोस्तों, लगाने के लिए दोस्तों कम से कम गमले की साइज़ 18 इंच तो होनी चाहिए दोस्तों, तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। और दोस्तों, इसको एक हार्डी प्लांट है दोस्तों, और इसको क्या है, धूप में रखते हैं तो दोस्तों इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ये पौधे का इतना ज़्यादा महत्व है दोस्तों कि भोले शंकर भगवान जी को बहुत प्रिय है दोस्तों। और अभी जो सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दोस्तों अगर ये पूजा में शामिल नहीं है बेलपत्र, तो शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों, इसकी ग्रोथ है ना जो बरसात में अच्छे से होती है, और ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इसमें भी इसकी भी प्रूनिंग की जाए तो दोस्तों, इसकी साइड ब्रांच इस प्रकार से निकलती है। देखो, इतनी अच्छी चीज़ इसकी पत्तियाँ निकली हुई है दोस्तों। दोस्तों, बेलपत्र का पौधा जिस घर में होता है दोस्तों, उसमें कोई सा भी किसी प्रकार का संकट आए तो दोस्तों भोलेनाथ शंकर भगवान जी सब कष्टों को हर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही प्रिय है, भोले शंकर भगवान जी का बहुत ही प्रिय ये पौधा है दोस्तों। और ये बेलपत्र का पौधा जिस घर में होता है दोस्तों, तो यूँ बोला जाता है कि एक तरह से वो घर में एक पॉजिटिव ही रहती है, मतलब घर में जितनी भी नकारात्मक सोच है वो ख़त्म हो जाती है। और कुछ पौधे दोस्तों, जैसे जिस प्रकार तुलसी जी की सेवा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों बेलपत्र की भी इसी प्रकार से इसकी पूजा की जाती है, और इसी की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एक पूजनीय पौधा है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे तीन पत्तियों वाला बेलपत्र दोस्तों, इसमें पाँच पत्तियाँ वाला भी होता है, सात पत्तियाँ वाला भी होता है। और दोस्तों, वो जो लकी होता है उनको अगर मिल जाए दोस्तों, तो वो कहते हैं कि एक तरह से एक बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। और ये सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है दोस्तों, आप लगाना चाहो तो दोस्तों आप लगा सकते हो। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, बहुत इजी तरह से ग्रो हो जाता है दोस्तों। सिर्फ इसमें यही है कि इसको धूप चाहिए, धूप इसको फुल चाहिए दोस्तों, धूप में ये अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। तो इसकी जो बारिश का सीज़न है, इसमें कटिंग करते हैं तो दोस्तों इसकी साइड ब्रांच देखो इस प्रकार से निकल जाती है, और अच्छे से ये ग्रोथ करता है दोस्तों। और एक बार साल में इसकी है ना दोस्तों, इसके ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बढ़ जाती है। और दोस्तों, आजकल क्या है कि सिटियों में मतलब शुद्ध चीज़ तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो घर में बेलपत्र लगाने का फ़ायदा ये है कि कभी भी तोड़ कर भोलेनाथ शंकर भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, माता जी को भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही एक तरह से मेरा अनुभव है कि बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए घर में, क्योंकि ये पौधे लगाने से दोस्तों बहुत ही घर में पॉजिटिव ही रहती है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, इस बेलपत्र के पौधे को अगर ज़मीन में लगाया जाए तो दोस्तों इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और इसमें जो फल आता है, बेल आता है दोस्तों, वो इतना फ़ायदेमंद फल होता है दोस्तों कि उसके इतने हज़ारों गुणे बेलपत्र के दोस्तों, कि वो तो मैंने इसको गमले में लगा रखा है दोस्तों, पर ज़मीन में इसकी अच्छे से ग्रोथ होती है। मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों, बहुत ही शुभ पौधा है, और एक बार आप लगा के देखो कि आपको कितना सुकून मिलेगा इसको लगाने से दोस्तों। इसकी खाद की बात की जाए तो जैसे देखो दोस्तों, अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं तो उनमें भी अपन खाद डालते हैं, तो दोस्तों इसमें भी 15 दिन में एक बार गोबर की खाद डाल दो दोस्तों, उससे इजी तरह से ये ग्रो होता है। और देखो दोस्तों, हर पौधे को खाद तो ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि खाद डालेंगे तभी अच्छे से ग्रोथ होगी। और दोस्तों, इसमें हफ्ते में एक बार रहना स्प्रे करना है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है दोस्तों। बारिश के सीज़न में थोड़ा सा कीड़े मकोड़े का थोड़ा अटैक रहता है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करना दोस्तों।
और नीम ऑयल का स्प्रे करने के लिए आपको एक लीटर पानी में दोस्तों 5 ml आपको नीम ऑयल डालकर उससे स्प्रे करना है दोस्तों, और जिससे ये स्वस्थ रहता है दोस्तों। और दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।